नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ओबेसिटी। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि लोग जातवाद के आधार पर ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखी जाती है, और सेकंड नंबर पर है एज। जितनी आपकी एज है उसके हिसाब से, यानी बच्चों में और एल्डरली पीपल में भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनकी एज की वजह से। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ओवरवेट या ओबेसिटी है ये थर्ड मोस्ट कॉमन है वर्ल्ड वाइड डिस्क्रिमिनेशन के मामले। यानी कि थर्ड नंबर पर दुनिया भर में ये सेंसस में ये देखा गया है कि वेट के हिसाब से लोगों को लाइफ के अलग अलग स्पेयर्स में डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव किया जाता है। मोटापे में भी जिन लोगों का वेट ज्यादा है उनके अगेंस्ट भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है, उन लोगों के साथ भेदभाव होता है। और इसी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ हो सकती है आप शायद सोच भी नहीं पाएंगे, लेकिन लाइफ के हर स्फेयर में ये लोग अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देखा गया है कि इवन 2 साल तक के बच्चे, अगर उनका वेट ज्यादा है तो उनको ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। छोटे बच्चों को स्कूल्स में बहुत फ्रिक्वेंटली चिढ़ाया जाता है, उनके आसपास जो लोग हैं उन्हें उनके ओबीज होने की वजह से उनके बॉडी शेमिंग करते हैं। इवन टीचर्स भी इन बच्चों को अच्छी नजर से नहीं देखते, उन्हें लगता है कि ये लेजी हैं, ये पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे या फिजिकल एक्टिविटीज में अच्छे नहीं होंगे, और उन्हें खुद को ही इसका जिम्मेदार भी बताया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो ओबीज हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें बाकी बच्चों के हिसाब से अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, इवन उनके नंबर्स भी कम दिए जाते हैं। उनके मन में ये बहुत अर्ली लाइफ से बैठ जाता है कि वो नॉर्मल नहीं है और उनकी बॉडी उतनी अच्छी नहीं दिखती जितने की बाकी बच्चों की दिखती है। और बच्चे आपस में बात करते हुए इन्हें बहुत अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जिनसे कि इनके माइंड में एक परमानेंट डिप्रेशन जैसी फीलिंग बैठ जाती है। देखा गया है कि अगर ऐसा ना किया जाए, बच्चों को हेल्दी एटमोसफेयर दिया जाए, तो शायद वो ओबेसिटी से जल्दी बाहर आ जाएंगे। लेकिन जितना ज्यादा ऐसी चीजें की जाएंगी उतना ही मुश्किल होगा उनके लिए अपने आप को कोऑपरेट करना और इस चीज से बाहर आना। बच्चों के अलावा जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके बाकी स्फेयर्स में, जैसे कि उनकी जॉब प्रोफाइल में, सबसे पहले तो उन्हें जॉब मिलना मुश्किल रहता है बाकी लोगों के हिसाब से। अगर आपका वेट ज्यादा है तो लोगों को जॉब देने में भी डिस्क्रिमिनेशन होती है और इन लोगों को जॉब ढूंढना भी मुश्किल रहता है। जॉब लेने के बाद वर्क प्लेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है इन लोगों को, पहले बाकी जॉब मिलने के बाद भी ये डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। जॉब के दौरान इनके जो सीनियर्स हैं या कोलीग्स हैं उन्हें भी ये ऐसा लगता है कि इनकी वर्क एफिशिएंसी उतनी नहीं होगी, और इन्हीं लोगों को खुद को ब्लेम किया जाता है उनकी कंडीशन के बारे में। सोसाइटी ये मानती है कि ओबेसिटी आपकी अपनी वजह से है, इसमें बहुत हद तक उस इंडिविजुअल का अपना दोष है और इसीलिए वो ऐसा करना जस्टिफाइबल मानते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं मानते। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाकी जो बाहर के लोग हैं उनके अलावा बच्चों के अपने पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं अगर उनका वेट ज्यादा है। उन्हें खुद को जेन्युइनली ऐसा लगता है कि अगर हमारे बच्चों का वेट ज्यादा है तो शायद वो ठीक नहीं है और वो बहुत लेजी हैं और वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि ओबेसिटी जो है इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपकी जीन्स कैसी हैं, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स इस पे डिपेंड करते हैं। इसका वेट कितना है, वो वेट क्यों बढ़ गया है और उसे वो क्यों कम नहीं कर पा रहे। इवन टू द ट्यून कि हॉस्पिटल स्टाफ में भी डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। दुनिया भर में देखा गया है कि हॉस्पिटल स्टाफ में भी सेंसिटाइजेशन नहीं होती। जब हैवी लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनके अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, चाहे वो रिसेप्शन का है या पेरिफेरल स्टाफ है, वो भी उन्हें उस नज़र से नहीं देखता जिन्हें वो नॉर्मल पेशेंट्स को जिस नज़र से देखता है, और उन्हें लगता है कि इन पेशेंट्स में उन्हें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, उनका काम डिफिकल्ट हो जाएगा, ये डिफिकल्ट लोग हैं, और वो भी कुछ हद तक इनके बारे में कुछ नेगेटिव बोल सकते हैं। इवन डॉक्टर्स में भी ड्यूरिंग मेडिकल कॉलेज से ही ऐसा देखा गया है कि उनमें भी ये सेंसिटाइजेशन नहीं होती, और वो भी शुरू से ही अपने माइंडसेट में बहुत सारे लोग ऐसा बिठा कर रखते हैं कि ऐसे पेशेंट जो हैं डिफिकल्ट पेशेंट्स हैं और क्योंकि अपनी गलती से ओबीज हैं इसलिए वो भी इसमें डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं अननोइंगली ही। चाहे हमारी सोसाइटी हमें एक नॉर्मल वेट के हिसाब से देखती है, और ये जो रूल्स हैं ये फीमेल्स के लिए ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। फीमेल्स में देखा गया है कि जो नॉर्मल वेट है उससे भी कम वेट को नॉर्मल माना जाता है, और मेल्स में इसे लोग कुछ रिलैक्स्ड वे से देखते हैं। ये रिसर्च में देखा गया है कि अगर फीमेल्स का वेट नॉर्मल से थोड़ा कम है तो उन्हें ज्यादा अच्छे प्रमोशंस मिलते हैं, वेयर एज मेल्स में नॉर्मल या उससे थोड़ा ज्यादा यानी ओवरवेट कैटेगरी में भी उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। तो सोसाइटी जो है वो फीमेल्स के वेट को लेकर और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और अगर फीमेल्स का वेट थोड़ा ज्यादा है तो उनकी मैरिज की जो चांसेस हैं वो 20% तक बहुत ही जल्दी कम हो जाते हैं अगर वो ओवरवेट कैटेगरी में। ये स्टिग्मेटाइजेशन करने से जो पेशेंट्स की विल पावर है वो और कम हो जाती है,
रादर देन कि हम उन्हें ये डायरेक्टली बताएं कि आपको ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे देखा गया है कि वो और ज्यादा स्टबन हो जाते हैं और उनकी ईटिंग हैबिट्स या फिजिकल एक्टिविटी और खराब हो जाती है और वेट लूज करने के बजाय रादर वो और ज्यादा वेट गेन करने लगते हैं बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अगर आप लोग इसे देख पा रहे हैं और आपको ये समझ आ रहा है ये एक बहुत ही सीरियस फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, हम चाहते हैं कि इस मीडियम से हम आप लोगों को बताएं कि हमें आने वाली लाइफ में इसे कम करना चाहिए, हम इन लोगों को एज कल्प्रिट ना देखें, इन्हें एक कल्प्रिट ऑफ डिजीज देखें, एक ऐसी सिचुएशन है उनके जेनेटिक्स में, उनके लाइफस्टाइल में, उनके फैमिली में, उनके एनवायरमेंट में, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स डिजीज डेवलप हो गया है और अगर हम एज अ होल इसे ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, उन्हें एक अच्छा एनवायरमेंट देंगे, ये ब्लेम डायरेक्टली उनके ऊपर नहीं डालेंगे, तभी हम इस चीज को कम कर सकते हैं और इस चीज में उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो इस बीमारी से बाहर आए, रादर देन कि हम उन्हें ब्लेम कर करके उनकी इस बीमारी को और प्रोग्रेस करते रहें। वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको इस सेंसिटिव और आप आने वाली लाइफ में इसे और अच्छे ढंग से देख पाएंगे। थैंक यू।